अभी उत्तराखंड के आपको बता देते हैं कुछ खेत वगैरह, गांव वगैरह। और यार हमें ऐसा लगता है कि शायद रास्ता वो है, हम गलत ना आ गए। और वो देख लीजिए, वो खेत गांव वगैरह है उत्तराखंड के। अभी अभी यार मैं बार बार जगह का नाम भूल जाता हूँ। और उधर देखिए आप, रोड पहाड़ में कैसे रोड बनाई गई है। और ये इतना बड़ा पहाड़ यार, ऊपर देखा भी नहीं जाता। और उधर से देखिए आप, गाड़ी आ रही, कैसे गाड़ी आ रही, इतना बड़ा पहाड़ है, इससे ऊपर एक पहाड़, बहुत ऊपर भी घर है। आपको पता क्या, देख लीजिए ऊपर घर है, गाड़ी जा रही है ऊपर भी। यार ये कहाँ से जाते, किसे जाते हैं मुझे नहीं। गाड़ी वाले भाई साहब आ गए, और पीछे और गाड़ी आ रही है। अब ये रास्ता यहाँ से पता नहीं कहाँ से होते हुए वहाँ जाता है। और नीचे नदी चल रही है, अगर इसमें जगह होगी तो शायद इसमें नहीं है, रुकेंगे नहीं। सर जी तो यार आप नज़ारे देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाइए। हम पैदल ही पैदल जा रहे हैं, 10 किलोमीटर तो नहीं है, लगभग 5-6 किलोमीटर आ गए हैं। चल गाड़ी रुकी है, चलो चलो भाई गाड़ी रुकी। अरे यार बहुत अड़ी है, बहुत अड़ी। बीच में आपको बताया क्या, नदी चल रही है, गाड़ी वाले रुके भाई साहब। ओम बहुत धरते काट रही है, है? अरे यार अब सीधे चढ़ जाओ। तो अभी हम जहाँ पे खड़े थे वहां से इन भैया ने दी, भैया आपका नाम? अमजद मिर्जा। अमजद मिर्जा आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ नैनकोटी तक। अच्छा, तो भैया जहाँ तक जाएंगे हम छोड़ देंगे। और तो शुक्रिया भाई का बहुत बहुत। अब हम चलते हैं सीधा, फिर वहां से आगे फिर देखेंगे। कोटी और यहाँ से फाटा थोड़ी दूर है, और चल रहे हैं धीरे धीरे, कोई ना कोई और लिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट मिलेगी यार, लड़की नहीं मिलेगी, लड़की कहाँ मिलेगी, लड़की हमारे को चाहिए भी नहीं, लिफ्ट चाहिए हमारे को। ठीक है, नारायण कोटी करके है एक गाँव यार, पहाड़ों के बहुत ही सुंदर नजारे आ रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे रुके कुछ देर, फोटो वगैरह रील वगैरह बनाई, और यार नज़ारे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है यार, क्या करें यार, इतना खूबसूरत है यार, वास्तव में क्या ही बताएं आपको यार। उत्तराखंड एक बार जरूर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो एक बार आप पहाड़ों पे जरूर आना, ये जरूरी नहीं कि उत्तराखंड आओ, हिमाचल आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन पहाड़ों में जरूर जाना चाहिए यार। इधर देखिए सेब, देखिए वाह यार, इनके रोड। चलो ठीक है, मिलते हैं। हम सोनप्रयाग से 20 किलोमीटर पीछे हैं, तो नीचे बता देते हैं आपको खेत खलिहान वगैरह। अब आप देखिए कितने मस्त खेल हैं, खेत खेल नहीं। और ये देखिए पूरा का पूरा गांव, खेत खलिहान। यार मुझे तो एक ही डर था यार, कहीं मेरा ये गिर जाए ना, फिर पहाड़ों में बहुत समस्या हो जाती है। ठीक है, तो हम सोनप्रयाग पहुँचते हैं और आपको मिलते हैं। अच्छा आप उधर घर घर गए थे क्या? नहीं, हमारे साथ ये पहाड़ों में इस तरीके से नेचुरल पानी आता रहता है, तो
हमने भी पानी पिया इधर से, पानी भर लिया है। धीरे धीरे चल रहे हैं हम, कभी ट्रैक्टर में कभी गाड़ियों में कभी कैसे 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 चल रहे हैं धीरे धीरे। अभी स्नान करने का मूड था, इस भाई साहब का नहीं है, बोल रहे यार आगे करेंगे। चलो कोई नहीं, फिर कर लेंगे। देखो उधर से भी आ रहा पानी, आपको बताऊं क्या, वो देखो देख रहे ना, उधर से भी पानी आ रहा है। और आप पहाड़ देखिए, वाह, चल रहे हैं हम। यार आज जल्दी ही पहुंच गए और आज इतनी थकान भी नहीं है, कल तो थक गए थे फिर भी। ये देखो पहाड़ में जो लैंड स्लाइड है उसको रोकने के लिए इसे जाली करके कुछ पत्थर रख दिए जाते हैं ताकि लैंड स्लाइड ना हो। होता तो है फिर भी कम होता है। यार मुझे तो कुछ पहाड़ों में ये समझ में नहीं आ रहे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं एक बार से दूसरे पहाड़ पे। और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है यार, किसे रहते हैं पता नहीं पहाड़ों में। पहाड़ों का जीवन बहुत ही कठिन है यार। सीधी जाओ ये ऐसे पानी का जुगाड़ ऐसे कर करेगा। देखो ये पानी यहाँ से आ रही है ऊपर से, ये सीधी इस पहाड़ में से आ रही है, तो इसको मैं पानी से सीधा इसमें आ जाता है। ये पानी देख लीजिए आप, उस बादलों के अंदर से आ रहा है। ओ भाई साहब कहाँ से आ रहा है पानी? अरे भाई साहब हमें नई ट्रिक मिल गई है इस काम में, और अभी पीछे देख लीजिए पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत मजा आ रहा है यार। लोग बहुत अच्छे हैं, पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं लग रहे हो। और ट्रिक मिल गई है, अभी चलते हैं सीधे सौंपते हैं, कहाँ तक जाएगी हमारे को पता नहीं, हम सीधे जाते हैं। तो दोस्तों केदार घाटी में आपका स्वागत है। ये है पूरी केदार वैली, ये केदार घाटी है पूरी। इसमें यार थोड़े रोड संकरे हो जाते हैं, लेकिन यार एक बात तो कहनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे हर चीज मिल जाएगी आपको, खाने से लेकर पीने तक रहने की सुविधा सब सुविधा। यार पैसे होने चाहिए आपके पास, हमारे पास तो है नहीं भाई पैसे है हमारे पास, लेकिन हम खर्च नहीं कर रहे। अरे यार सेविंग कर रहे क्या? क्योंकि अभी पैसा खत्म कर देंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे। सही है सही। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, जमुना करे ओ शंकर ना करे, मां देवा नमो, मां देवा तेरा डमरू डम 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 पीछे आगे रहेगा। और हम पैदल क्यों जा रहे हैं, एक आपने पीछे देखी थी, हम गाड़ी के पीछे बैठे थे तो वो वहाँ कोई पुलिस वाले रोक रहे थे, क्योंकि अब बता रहे हैं कि आगे जाम लग गया, बहुत ज़्यादा रश है बहुत ज़्यादा। अगर आप केदारनाथ आने की सोच रहे हो ना तो अभी बिल्कुल ही बताना, अगस्त सितंबर में आना, वहाँ पर भीड़ कम मिलेगी। अभी जो ही 2 साल हो गए मंदिर खुल गई ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ अब आप अगर आ रहे हो तो आप ले सकते हो, रिस्क चुकाओ, लेकिन इधर आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत महंगाई है, बहुत महंगे महंगे होटल है, वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। और अभी के लिए ये सोचना है कि हम पैदल पैदल चल रहे हैं और देखते हैं कितनी देर में सनप्रयाग पहुंचते हैं, क्योंकि हम तो जल्दी आ गए। आप हमारी तरफ नहीं चल सकते, बसों में आना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा किराया लगेगा। तो मेरे हिसाब से आप
अभी हम आपको दर्शन करवा देंगे, तो उसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो रही है ज़्यादा ही तो आ जाना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। पीछे मेरे पीछे गाड़ियों की आप लाइन देख सकते हो, इतनी गाड़ियाँ नहीं होती है ऑक्सीजन में, नॉर्मल गाड़ियाँ होती है। तो ठीक है, चलते हैं। हेलीकॉप्टर भी आ रहा है पीछे से। जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे बरसात कभी भी आ सकती है, तो देख लीजिए अभी आ रही है बरसात, अब थोड़ी तेज़ हो गई है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो छाता वगैरह, रेनकोट वगैरह कुछ ना कुछ लेके आए, हम तो लेके आए हैं यार। बहुत अभी हम वहाँ थे उस पहाड़ के पीछे, तो वहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अब यहाँ से पैदल चलना यार बहुत ही मुश्किल है। 8 किलोमीटर है सोन प्रयाग। चलो चलते हैं। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, अभी आपको बता दें हम लगभग सोन प्रयाग में पहुंच चुके हैं। तो अब आपको रास्ता बताते हैं पहाड़ में कैसे जाए। ये देखिए यहाँ से यहाँ आता है, और फिर ये नीचे नीचे यहाँ से, फिर ये यहाँ से नीचे होते हुए फिर यहाँ तक, ये फिर ये यहाँ ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से देखो वो ऐसे 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 ऐसे। अब लग तो रहा है मतलब पास में ही है, लेकिन ये बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर है। तो ऐसे नदी चल रही है कुछ, और केदारनाथ मुझे लगता है शायद इस साइड में होगा, 19 किलोमीटर है पैदल। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। वो देखो यार ऊपर से भी जा रहे हैं, वो सेम रास्ता है ना, उधर से होके सोन प्रयाग मेरे को लगता है उधर आगे। अभी भी वो देखो ऊपर जा रही है गाड़ियाँ, आपको कैसे बताऊँ, वो देख लीजिए वो जा रही है, देख रही वो देख रही है, देख लो वो यहाँ से ये वहाँ से होते हुए फिर ऐसे 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 वैसे जाएगी। चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी अपडेट आपको बताते रहते हैं कि अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार से रेनकोट और टोपी कोट वगैरह नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मिल जाता है। रेनकोट नहीं लेने पर भाई मैं रेनकोट नहीं लेने का ना, यही बोल रहा हूँ मैं भाई, अगर कोई रेनकोट वगैरह नहीं ला रहे ना तो यहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों ये है सोन प्रयाग की पार्किंग, ठीक है, इधर पार्किंग की सुविधा है, आप अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से गौरीकुंड जा सकते हो। और गौरीकुंड उधर से जाता रास्ता, ये सोन प्रयाग है पूरा। आज यार एक बात बताए क्या, आज पूरे दिन धूप नहीं निकली, आज नहीं मतलब यहाँ पे धूप नहीं निकली यार, ऐसा क्लाउडी क्लाउडी मौसम है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के ऊपर बादल है। तो आप हमारे साथ बने रहना, हम इन पहाड़ों के ऊपर जाएंगे जो स्वर्ग बोला जाता है, धरती का स्वर्ग केदारनाथ वहाँ पे। चलो ठीक है दोस्तों, ये है सोन प्रयाग की मार्केट, और इधर से आगे गौरीकुंड के लिए रास्ता है, और हमारे को किसी भाइयों ने ये स्टिक दे दी है, और यहाँ पर वो आप सुन रहे हो ना कि कैसी सर्दी लगेगी वगैरह वगैरह, तो भैया सर्दी तो है, ठीक है भैया इतने का ही है, सर्दी तो है लेकिन यहाँ पे वही सर्दी है, सब मिल जाएगा, सौ पीस लेकर कोट वगैरह वगैरह बट थोड़ा महंगा सस्ता तो होता रहेगा, लेकिन समान सब मिल जाएगा यहाँ पे। कोट ले रहा भाई साहब, वगैरह ले रहा हूँ, कोट ले रहा हूँ, कोई कोट नहीं ले रहा है लेकिन यहाँ पर डबल रेट बता रहे, तो लेके क्या करेंगे ऐसे, आप साथ में लाना यार, क्यों जेब थोड़ी कटवानी है। अगर आप आ रहे हो ना तो साथ में कोट टोपी
हाथ के दस्ताने, जुराब की दो तीन जोड़ी, जूते, छाता, रेनकोट साथ में ले आना। रेनकोट तो मान लो यहीं भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 200 रुपये मिल जाएगा और ग्लव्स भी मिल जाएंगे। बाकी है ना चीजें वो आप कोट वगैरह इनर वगैरह लकड़ी भी लाना घर से, नहीं ये मिल जाएगी यार, कोई आते जाते दे देंगे, जेब कटवाते हो 300 रुपये 30 रुपये कोई ना कोई दे देगा भैया। चलो ठीक है, तो अभी सोन सोन प्रयाग में आ गए, अभी गोलकुंड के लिए जाएंगे। और चलो, और ये मिल गया हमारे को, ये मिल गया, ये दो ये ठग, ये हमारे को वैसे कोई छोड़ के आगे निकल गया, हम इससे आगे निकल गए, इन्हें इनका बहुत वेट किया था और इनको बोला हम इससे दो प्रयाग में मिल जाएंगे, हम इससे आगे निकल गए, मेरे से आगे आगे, तो फिर मेन से आगे आ गया। मैं क्या करूं यार, तुम जल्दी आगे, तुम जल्दी सुबह नाइट को खींचा के गया था, उसके बाद सुबह जल्दी आपको आपको बता रहे वीडियो में, पिछले वीडियो में 1 बजे सोए थे, सुबह 6 बजे निकले थे और 8 बजे पहुंच गए थे उधर श्रीनगर से। गाइस कोई बात नहीं, फिर भी हम तीनों एक जगह हो गए, अब साथ ही रहेंगे, साथ में रहेंगे और सुबह 4 बजे जाएंगे, तो तब तक लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी हम मार्क, और यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो, हाँ आप क्या कहना चाहते हो, आपको आप ही बोल दें, हाँ वो भी लिख देना, वो भी लिख देना, और इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, और सभी लोग हमारे को देख रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं पागल, और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बता देना जरूर, ठीक है, हमें मिलूंगा।